आज के समय में लोग अधिकतर वर्क फ्रॉम होम करते हैं और इस वर्क फ्रॉम होम में उन्हें ज़रूरत होती है हाई स्पीड इंटरनेट की। और ये जो हाई स्पीड इंटरनेट है ये आसानी से अवेलेबल नहीं होता है मोबाइल फ़ोन में। अगर आप मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो इसमें काफ़ी सारी समस्याएँ आती है। पहली चीज़, बफरिंग बहुत ज़्यादा करता है, बहुत स्लो चलता है। दूसरी चीज़, इसमें एक लिमिट दी जाती है, उससे ज़्यादा डाटा आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है ब्रॉडबैंड का। ब्रॉडबैंड एक ऐसी चीज है जो हमें हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करती है और इसी के साथ में यहां आप अनलिमिटेड इंटरनेट भी उपयोग कर सकते हैं, पर इसका मंथ में बिल जाता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आप अपने एरिया के बन सकते हैं और इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को कैसे आप शुरू करेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, आप इसमें कितने प्रॉफिट कमा पाएंगे, अब देखिए यहां अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर तो काफी ज्यादा ब्राइट है इसका। फ्यूचर इसका इसलिए ब्राइट है क्योंकि आने वाले कुछ समय में सारा काम इंटरनेट के द्वारा ही होने वाला है। इसीलिए आज आप इस बिजनेस को अगर शुरू करते हैं तो फ्यूचर में काफी अच्छा रिस्पांस रहेगा आपके लिए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, यहाँ तीन से चार चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। इन तीन से चार पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से समझते हैं तो आपको इस बिजनेस को शुरू करने में कोई भी समस्या नहीं होने वाली और आप एक अच्छे तरीके से, नॉलेजेबल तरीके से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। पॉइंट नंबर वन की बात करते हैं। यहाँ सबसे पहली चीज़ कि आपको आपके एरिया में रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च मतलब यहाँ पर आपको अपने एरिया में देखना पड़ेगा कि आपके एरिया में ऑलरेडी कौन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। अगर वो है तो वो किस कंपनी का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, और अगर वो प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज तो क्या उसकी सर्विसेज से लोग आपके एरिया में खुश हैं, और इसी के साथ में क्या स्पीड मिल रही है लोगों को। और अगर आप किसी कंपनी के साथ जुड़कर इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, इंटरनेट प्रोवाइडर बन रहे हैं, तो आप जिस कंपनी के साथ में शुरू कर रहे हैं उस कंपनी की क्या स्थिति है आपके एरिया में, क्या स्पीड मिलने वाली है आपके एरिया में उस कंपनी को, ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी। दूसरी चीज़ की बात करते हैं, यहाँ पर स्पेस हमें कितनी चाहिए होगी। तो स्पेस की अगर हम बात करें तो आप घर में अगर आपके एक सेपरेट रूम है 10x10 का भी, तो आप उस रूम से शुरू कर सकते हो आसानी से। बहुत ज़्यादा एरिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बाकी आप अपने ऑफिस के लिए अगर छोटा सा एरिया कहीं देख सकते हो तो ये काफ़ी बेहतर रहेगा। आपके घर में ही अगर बाहर छोटा कोई रूम है तो आप उसे एज अ ऑफिस यूज़ कर सकते हो। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कौन से लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी, हम इसकी बात करते हैं। तो लाइसेंस के तौर पर सबसे पहले तो आपको यहां अपनी कंपनी से बात करना होगा क्योंकि हर कंपनी का अपना अलग अलग रहता है। और आज के समय में भारत में 10 से अधिक कंपनियां इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग कर रही हैं, तो आपको जिस भी कंपनी के साथ में जुड़ना है उस कंपनी से बात करिए। कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की जो जरूरत पड़ती है उसकी मैं बात करता हूं। सबसे पहले आपको यहां पर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राइग के द्वारा अपना लाइसेंस लेना पड़ेगा। ट्राई में अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जिससे आपको कोई भी समस्या ना हो आगे जाकर लीगली। इसी के साथ में दूसरी चीज, यहां पर आपके पास GST नंबर होना चाहिए और आप हर साल ITR फाइल करेंगे। अगर आपका टैक्स बन रहा है तो आप गवर्नमेंट को पे करेंगे, अगर टैक्स नहीं बन रहा है फिर भी आपने कितना कमाया उसका हिसाब आप गवर्नमेंट को देंगे, मतलब ITR फिल करना होगा आपको। और ये केवल इस बिजनेस के लिए नहीं है, वो किसी भी बिजनेस के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके कई सारे फायदे भी होते हैं। इस बिज़नेस में अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अगर आप वायरलेस कनेक्शन देते हैं लोगों को तो आपका 3 से 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और वहीं अगर आप यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट 10 लाख से अधिक जा सकता है। डिपेंड ऑन योर एरिया कि आपका एरिया कितना बड़ा है और उसमें आप कितने लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ज़्यादा बड़ा एरिया है तो आपको तार बहुत अधिक बिछाना पड़ सकता है तो 10 लाख प्लस जाएगा, और अगर छोटा एरिया है तो 10 लाख के अंडर रह सकता है। बाकी अगर आप वायरलेस करते हैं तो ये सबसे बेहतर है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा दूर तक आप बिना ज़्यादा खर्चे के इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर लगभग आपका 25% तक का प्रॉफिट मार्जिन रहता है अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपके कनेक्शंस ज़्यादा बटे हुए हैं और लोग अधिक से अधिक इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं तो फिर 25% भी काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। इस हिसाब से आप काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं अपने एरिया में। ये थी छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप इंटरनेट प्रोवाइडर बन सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।